नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिवेनी शर्मा। पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी हो चुके हैं। 10 अक्टूबर को ईंधन की कीमतों में कहीं उछाल तो कहीं गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने कई महीनों से फ्यूल के रेट को अपडेट नहीं किया है, लेकिन हर दिन सुबह 6 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ईंधन की कीमतों को अपडेट करती है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ईंधन के भाव में इजाफा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, बिहार और असम में गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव आज $78 के नीचे है। ब्रांड क्रूड $77.15 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं WTI क्रूड का भाव $73.82 प्रति बैरल है। महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹94.72 और डीजल की ₹87.62 प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का भाव ₹103.94 और डीजल का ₹89.97 प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत ₹100.85 और डीजल की ₹92.44 प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹103.94 और डीजल की ₹90.76 प्रति लीटर है। आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, भिंड, दमोह, धार, डिंडोरी, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, सीधी, उज्जैन और विदिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। वहीं टीकमगढ़, सिंगरौली, शिवपुरी, सागर, रीवा, रतलाम, रायसेन, पन्ना, मुरैना, मंडला, खरगोन, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद, देवास और बुरहानपुर में गिरावट आई है। तो वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भोपाल में ₹106.47, इंदौर में ₹106.40, ग्वालियर में ₹106.40, जबलपुर में ₹106.50, रीवा में ₹108.87 और उज्जैन में ₹107.10 है। तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत भोपाल में ₹91.84, इंदौर में ₹91.80, ग्वालियर में ₹91.78, जबलपुर में ₹91.90, रीवा में ₹94.06 और उज्जैन में ₹92.44 है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।